पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। नाश्ता नुश्ता मिलेगा कि नहीं आज? चलो भाई, मैं निकल रही हूँ कॉलेज के लिए, लेट हो गई हूँ मैं। और जाना है तो जा, ढिंढोरा क्यों पीट रही है? ढिंढोरा नहीं पीटा, इसे बताया है, फिर बोलोगे बता के नहीं गई। जिसको बता के चीजें करनी चाहिए वो तो कुछ बताती नहीं। बेबे, एलो ताड़ी गर्मा गर्म चाय। भाई गिन्नी, आज रजत का हैप्पी बर्थडे है तो शाम को जरा जल्दी आ जाना। ठीक है पापा। तू भी? जी पापा जी। लले हेलो जी, आज हमारे रजत के हैप्पी हैप्पी बर्थडे पे मेरी तरफ से ये स्पेशल। अभी वाह नंदू, कमाल है। एक मिनट, मैं गैस करता हूँ कि भाई ये क्या लेकर आई है। सूजी का हलवा, टैन टैन। गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े हैं, रजत के पसंदीदा फेवरेट है इसके। सूजी का हलवा ज्यादा पसंद है, फटाफट जाके बना के ले आना, दो मिनट लगेंगे तेरे को। डैडी जी, आपको मीठे का नाम लेना भी मना है। नाम? थैंक यू सो मच नंदू भाभी। हैप्पी बर्थडे पुत्र, रब मेहर करे, खूब तरक्कियां हो, अच्छी सेहत हो। थैंक यू। अच्छा भाई, वैसे इंतजार किस चीज का कर रहे हैं सब? वैसे टूट पड़ो, आ जाओ भाई सब। बेबे ओए, ब्रेड पकोड़े मेरे को नहीं बताया ये सबसे। नंदू तू लेके आई है ना? हाँ आराम से खा, और भी हैं। डैडी जी, ये सबसे करारा पकोड़ा आपके लिए। ओए, so sweet of you, my... sweet, बोल तो सकते हैं ना? बोलने में कोई मनाही नहीं है। और शिल्पा, सॉस दे देना साथ में, पुदीना नहीं था, मैंने चटनी नहीं बनाई। हाँ, सॉस दे दे। अच्छा शिल्पा, ये बानी आज भी काम पे जा रही है? हाँ वो तो रोज जाती है, इसमें कौन सी नई बात है? बड़ा तरस आ रहा है तेरे पे यार, फिर तो सारे घर का काम तुझे कल ही करना पड़ता होगा। कर भी क्या सकती हूँ मैं, पूरा दिन एक टांग पे खड़ी रहती हूँ ये सब काम करने के लिए, लेकिन किसी को मेरी कदर नहीं है। इन सबको तो यही लगता है घर पे रहती है क्या करती होगी। कहना नहीं चाहिए वैसे शिल्पा, पर तेरी सास ने ना इस पानी को सर पे कुछ ज्यादा ही चढ़ा के रखा हुआ है। पानी रुक एक मिनट, मेरे साथ कपड़े सुखवा दे जल्दी। मम्मी जी मेरे को अभी लेट हो रहा है ऑफिस। उल्टा जवाब क्यों दे रही है, जितना बोला है ना उतना कर, चल मेरे साथ कपड़े सुखवा। जी आई मैं। लाओ मम्मी जी, मैं डाल देती हूँ। ये ले पुत्र। ये क्या है? पूरे 10,000, तूने कहा था ना ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, लगा देंगे शेयर मार्केट में। जी सब पानी छेती जा, मैं तो माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि तुझे खूब कामयाबी खूब तरक्की मिले, तेरे ये पैसे ना दुगने चौगने हो जाए ताकि हमारे घर के हालात सुधर सके। जी, पर अब इतने कम समय में इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हो? अरे मैंने कहा था ना मैं इंतजाम कर लूंगी, तो कर लिए देख। मम्मी जी आपने कुछ बेचा वेचा तो नहीं है या फिर आपने किसी से उधारी लिए? और तू चल छेती जा, तेरा बॉस ना नाराज हो जाएगा, सैलरी काट लेगा तेरी, लेट हो रहा है तुझे जा। अब किसी को पता लग गया अंदर तो कुछ पता नहीं चलेगा, तू क्यों डर रही है? घर के हालात सुधारने के लिए ना इससे बेहतर तरीका नहीं है हमारे पास पुत्र। खुद तू तू टेंशन ना ले, साथ तेरी मम्मी जी है ना, और तेरी मम्मी जी के साथ इस पूरी दुनिया की मम्मी जी, बस माता रानी का नाम लेके लगा दे पैसे शेयर मार्केट में। तो यहाँ काम करती हैं आप? हाँ, और अभी एक घंटे तक ना यहाँ कोई नहीं आने वाला। नंदू भाभी का तो तुम्हें पता ही है, वो मुझसे गुस्सा है, और घर में ना मैं किसी के सामने तुमसे ये बात नहीं कर सकती, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला ली। मेरी माता रानी जानती है कि मेरे इरादे नेक है, और देखना एक दिन यही ना राजा जी और उनके परिवार को बताएंगे कि मैंने ये कदम उठा के ना कुछ गलत नहीं किया। तुम एक काम करो, 10,000 लो और शेयर बाजार में लगा दो। मैं तो लगा दूंगा, लेकिन आपको अपने घर वालों का नहीं पता क्या? पता लग गया ना उनके क्लेश कर देंगे। सॉफ्टी, अगर उन्हें कोई बताएगा नहीं तो पता कैसे लगेगा? पॉइंट है। तो बस जय माता दी बोलो और इस शेयर बाजार में
मेरा अकाउंट खोलो। अकाउंट से याद आया, आपका डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा पहले। क्या होता है ये? जैसे मैंने कल आपका बैंक में सेविंग अकाउंट खोला वैसे ही बताता हूँ। देखो, जैसे पहले के टाइम में ना दुकान के मालिक दुकान का हिसाब किताब कहाँ लिखते थे? भाई खाते में ना। हाँ, उसी में लिखते थे कि कितने का माल आया, कितने का माल बिका, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, वगैरह वगैरह। तो वैसे ही अब डीमैट अकाउंट है, लेकिन अब फोन कंप्यूटर पे क्लिक किया, सारा कच्चा चिट्ठा सामने खुल जाता है। कितने के शेयर बिके, कितने के खरीदे, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, सब कुछ इस पे रिकॉर्ड होता रहेगा। और यहाँ पे ना आप घर बैठे कंप्यूटर लैपटॉप पे शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो भी मेरे पिंड के जो कर्नल अंकल है ना, पूरा दिन कंप्यूटर पे लगे रहते थे, यही करते होंगे वो, है ना यार? ये कर्नल अंकल से मिलना पड़ेगा। खैर, आप ना अपना वो पैन कार्ड और आधार कार्ड दीजिए। मैं अभी फोटोकॉपी कर, मैं भूल गई थी, तुम तो वो फोन से ही कर लेते हो। डिजिटल इंडिया। ये लो मेरा आधार कार्ड और ये रहा पैन कार्ड। सॉफ्टी, ये सेफ तो है ना? अरे भाभी, एकदम से सेफ है। देखिए, इसका पासवर्ड ना सिर्फ आपको पता होगा, लेकिन हाँ, अगर आप किसी के साथ पासवर्ड शेयर करेंगी तो पैसे भी शेयर हो जाएंगे अपने आप। करने हैं? नहीं। देखिए, आप ना अभी मेरे जो पासवर्ड पता है, लेकिन जब आप ट्रेडिंग सीख जाएंगी अपना पासवर्ड बदल लेना। नहीं नहीं, अभी तुम ही करो। वो कहते हैं ना, जिस चीज के बारे में तुम्हें ज्यादा पता ना हो ना, उसमें ज्यादा प्रधान नहीं बनना चाहिए। और मुझे ना तुम पे पूरा भरोसा है। ना 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 भाभी, भरोसा मत कीजिए, क्योंकि जब नुकसान होता है ना, तो सबसे पहले भरोसा टूटता है और भरोसे वाला कूदता है। आपको मैं सिखा दूंगा, गाइड कर दूंगा, जल्दी से सीख जाइए और फिर खुद ट्रेडिंग कीजिए, तभी लंबी गेम खेल पाएंगी आप। हे माता रानी, प्लीज ये सब सीखने में ना मेरी मदद करना, ताकि मैं ढेर सारे पैसे कमा के ना अपने दोनों फैमिलियों की मदद कर सकूं। जीत कहाँ से गई बेबे? ब्लैक वाली के 10 पॉइंट होते हैं, व्हाइट वाली के 20 होते हैं, मेरे पास व्हाइट ज्यादा हैं। अरे, पानी के घर से कॉल। हेलो, हैप्पी बर्थडे जीजू। थैंक यू सो मच। लेकिन आपको कैसे पता चला? बानी दी ने। पुत्र जी, खुश रहो, जिंदे रहो। थैंक यू मम्मी जी। पुत्र, अपने मम्मी पापा से बात भी करवा दो। हाँ जी हाँ जी, एक सेकंड होल्ड करना जी। पानी के मम्मी पापा का कॉल। हाँ जी, अरोड़ा जी, की हाल है? निकाल जी। है, बहुत बढ़िया खन्ना साहब। बेटे के जन्मदिन की ना आपको और पोनम पैन जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी जी, थैंक यू थैंक यू। लेकिन अपने जवाई को इतनी दूर से ऐसी सूखी सूखी बधाइयाँ कौन देता है? शाम को पार्टी में आओ, थोड़ा माहौल शौल बनाते हैं। हाँ भाई, ये माहौल तो बनना ही चाहिए। ठीक है जी, आपका हुक्म सर आंखों पे, हम जरूर आएंगे जी। लो भाभी, खुल गया आपका डीमैट अकाउंट। ये तो ओके रिपोर्ट हो गई। अब लगा दो मेरे 10,000 किसी बढ़िया सी कंपनी में, जिसके जिसके फायदे ना मेरे को डबल हो जाए। किस पे बताइए? मैं कैसे बताऊं, तुम ही देखो ना। ट्राई तो करो, थोड़ा सोचो। देखो, ये कंपनीज हैं, ये इनके शेयर की लिस्ट, रेट, और ये सबसे ऊपर वाली टॉप कंपनियां। अकड़ बकड़। अरे भाभी, अकड़ बकड़, अरे आइस पाइस थप्पा थोड़ी खेल रहे हैं। देखो, अगर ऐसे शेयर सेलेक्ट करोगी ना तो जुआ ही कहलाएगा। ध्यान से सुनना, शेयर हमेशा उस कंपनी के खरीदो जिसके बढ़ने की उम्मीद हो। देखो, जैसे मैं इस ट्रैक्टर कंपनी के शेयर खरीदने की सोच रहा हूँ। पूछो क्यों? क्यों? देखिए, बरसात का मौसम है, खेती बाड़ी बढ़ेगी, तो ट्रैक्टर बिकेंगे ना। ये इसी ट्रैक्टर्स, बोलो आपके 10,000 लगा दूं इसमें? एक मिनट, ये हरित पेस्टिसाइड्स, ये वही कंपनी है ना जो फसलों पे कीड़े मकोड़े मारने वाली दवा बनाते हैं? हाँ। इसी में लगा दो। फिर से कट पकड़ किया? नहीं नहीं, मैं पिंड से हूँ, मुझे पता है इस सीजन में ना 2-4 साल से ना टिड्डियों का अटैक हो रहा है फसलों पे। बेचारे किसान इतनी मेहनत करते, सारी खराब हो जाती। मुझे लगता है इस साल ना इस कंपनी की बहुत बिक्री होने वाली है। एक मिनट भाभी, ठीक है, डिसेंट परफॉर्म कर रही है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। मेरा दिल कहता है कि ना ये कंपनी ना बहुत ऊंची उड़ान लेने वाली और इसकी बहुत बिक्री होने वाली। और अगर इसकी बिक्री होगी तो जिसने इसके शेयर्स खरीदे हैं उनको भी तो फायदा होगा, यानी कि मुझे फायदा होगा। बस फाइनल है, लगा दो इसी में।
रिस्क है, आपके कहने पे ले रहा हूँ, बाकी दुआ कीजिए कि शेर बढ़ जाएं। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।